और उसके शीर्ष 15 साझेदार देशों के बीच बीते एक साल में व्यापार में वृद्धि हुई है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि भारत के साथ होने वाले व्यापार में हुई है। कोलकाता में अमेरिका की महावरिष्ठ दूत मेलिंडा पावेक ने कहा, उद्योग मंडल CII द्वारा कोलकाता में आयोजित ईस्ट इंडिया समिट 2022 में एक सत्र को संबोधित करते हुए पावेक ने कहा कि 2022 के पहले 6 महीने में भारत और अमेरिका के बीच $67 अरब का व्यापार हुआ है। उन्होंने कहा, जनवरी से जून के बीच अमेरिका ने भारत को $23 अरब का निर्यात किया, जबकि भारत ने अमेरिका को $44 अरब का निर्यात किया। पावेक ने कहा, बीते एक साल में अमेरिका का अपने शीर्ष 15 साझेदारों के साथ व्यापार बढ़ा है और मैं गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी वृद्धि भारत के साथ व्यापार में हुई है। अमेरिकी कंपनियां भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में अमेरिका और भारत के बीच माल एवं सेवा का द्विपक्षीय व्यापार $157 अरब रहा था। पावेक ने कहा कि अमेरिका की कई एजेंसियां पूर्वी भारत में विकास परियोजनाओं में शामिल हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश का बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए व्यापार नीति मंच TPF की अगली मंत्रिस्तरीय बैठक बहुत जल्द अमेरिका में आयोजित की जाएगी। भारत और अमेरिका ने पिछले साल 23 नवंबर को नई दिल्ली में TPF की 12वीं बैठक आयोजित की थी। यह मंच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक अंतर एजेंसी सहयोग है। केंद्रीय इस बैठक में पहचान करने योग्य और कार्य के नए क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए दोनों देशों के टीमों को एक दूसरे के साथ काम शुरू करने के लिए कहा गया। हाल ही में केंद्रीय वरिष्ठ एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन काई और अमेरिका की वरिष्ठ मंत्री गिना एम रायमोंडो के साथ यहां द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने अमेरिका की GSP कार्यक्रम के तहत व्यापार लाभ बहाल करने के बारे में पूछे जाने पर कहा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुद्दा है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।